यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू इस दुनिया को जीत कर, क्या लाभ होगा आत्मा को खोकर, क्या पाएगा तू इस दुनिया को जीत कर, क्या लाभ होगा आत्मा को खोकर, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, प्रभु यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। जिंदा सामर्थ्य और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर का नाम लेकर के आज के दिन की, आज की सुबह की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ले लेके पुकारना पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे अब भी कह रहा है कि ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे समीप तो आ जा, देख मेरे अलावा और कोई भी तुझको दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दुनिया में सब कुछ पाना बहुत आसान है, दुनिया को जीतना, दुनिया को जीतना और दुनिया को हारना, ये सब दुनियादारी के लोगों का काम है। जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके पास तो सब कुछ है, क्योंकि प्रभु हम सब से कहता है जो कुछ भी तेरी नज़र में है मांग कर देख ले, जो कुछ भी तू चाहता है मांग ले, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्या आपको पता है एक बहुत गलत काम करने वाला, मतलब
ऐसा काम करता था जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं था। उसका कद बहुत छोटा था, पर उसने जो काम किया, बड़े बड़े कद के ताकतवर लोग नहीं कर सकते हैं। उसका नाम था जकई, जो परमेश्वर के लोगों से, करीब लोगों से इंटरेस्ट में पैसे चला करके लेता था। और एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह पहले उसके पास नहीं गए, पहले वो प्रभु यीशु मसीह की तलाश में गुलर के पेड़ पे चढ़ा। गुलर के पेड़ पे चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने का उसके मन में आया। छोटा कद था और थोड़ा बुजुर्ग अवस्था में भी था, फिर भी वो गुलर के पेड़ पे चढ़कर प्रभु को देखने लगा। यानी कि पहला कदम जक्कई ने प्रभु की ओर किया। प्रभु कहता, तू एक कदम मेरी तरफ आएगा तो मैं तेरे पास 100 कदम चल करके आऊँगा। प्रभु यीशु ने उस जक्कई से कहा, ऐ जक्कई नीचे उतर आ, मैं आज तेरे घर पर जा करके भोजन करना चाहता हूँ। जक्कई ने सोचा भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर जाएंगे, उसके संग भोजन करेंगे। जक्कई का मन इतना परिवर्तित हो गया, इतना शुद्ध हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अगर किसी से कुछ इंटरेस्ट ले भी लिया है तो उसका मैं 4 गुना लौटा दूंगा, उसको मैं 4 गुना लौटा करके उससे क्षमा मांगूंगा, उसका मैं पश्चाताप करूंगा। प्रभु अब तो मुझे माफ कर दे। प्रभु ने कहा, जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि धनवान का स्वर्ग में जाना ऐसा है जैसे सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, धन हर कोई कमाना चाहता है। धन कमाने की अभिलाषा दुनिया के हर उस व्यक्ति को है जो प्रभु से बहुत दूर है, जो प्रभु के वचनों को नहीं जानता। यदि हमारे जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो ना, तो प्रभु कहता है कि तू मेरी संतान है, मैं राजाओं का राजा हूँ। बताओ किस तरीके से हम छोटे हो सकते हैं, जब राजाओं का राजा हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। आपको ये तो पता होगा ना कि वो धनवान होकर के कंगाल बन गया। यीशु नासरी धनवान होकर के कंगाल बन गया ताकि आप और मैं धनवान हो सके। कितने लोग आज तक अपने संग अपनी दौलत को लेकर के गए हैं मरने के बाद, शायद आपकी निगाह में एक भी ना हो। जो धन आपको स्वर्ग में लेके जा ही नहीं सकता, जिस धन से आप मन का सुकून, मन की शांति नहीं खरीद सकते, ऐसे धन का क्या करना। मैं ये भी जानता हूँ कि बिना धन के, बिना पैसे के दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका नाम अगर आपने सच्चे मन से ले लिया ना, जो एक अंबानी को नहीं मिलेगा, वो चीज़ प्रभु आपको देने की सामर्थ्य रखता है।
प्रभु आपके हर एक कष्ट को खत्म करने की ताकत रखता है। प्रभु आपके जीवन को साकार करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने तो अपना जीवन अपनी मां के गर्भ से उस परमेश्वर को दे दिया था, क्योंकि मेरी मां ने मुझे गर्व से चुना था, मेरे प्रभु ने मुझे मेरी मां के गर्व से चुना था। और मैं बचपन से लेके अब तक प्रभु की बातों पे चल रहा हूँ, प्रभु का नाम जानता हूँ। ना मेरी माँ है इस दुनिया में, ना मेरे पिता हैं। मैंने खूबसूरत गीत लिखा था अपने प्रभु के लिए जब मेरी माँ का देहांत हुआ था, आपको सुनाता हूँ। मैंने लिखा था, प्रभु यीशु तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है जिस्म और जहाँ से बड़ा। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है जिस्म और जहाँ से बड़ा। तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, है तुमसे मेरा रिश्ता। मैंने कहा, प्रभु मेरी माँ भी नहीं रही, मेरे पिता भी नहीं रहे, मेरा और तुम्हारा जिस्म और जान से बढ़कर रिश्ता है, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो। प्रभु ने कहा, मैं तुझे माँ का प्यार भी दूंगा और पिता का आशीर्वाद भी दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी कमी नहीं है। प्रभु हर पल हर क्षण मेरे आगे आगे चलता है, मेरे संग रहता है। प्रभु आपके भी संग रहे, प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यदि आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बीमार हैं ना, कहीं भी दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, उस यीशु का नाम लेकर के आपके लिए कहता हूँ, विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके दर्द को ठीक करेगा। प्रभु आपका कितना भी पुराना मर्ज हो उसे ठीक करेगा, बस आप विश्वास करके प्रभु से मांगे, प्रभु आपको सब कुछ देगा। आप मुझे जब चाहें कॉल कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9210465761। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार हमेशा करूँगा। जय मसीह की।